गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू द क्लास. माई नेम इज शिवांगी गौतम एंड इन दिस न्यू सीरीज हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे चैप्टर वाइज फ्रॉम द बुक नितिन सिंघानिया. ठीक है, एक एक चैप्टर को वी विल बी कवरिंग इन वन सिंगल डे, एज एन नॉट एवरी डे बट द पॉइंट बिंग, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बहुत लंबे हैं, कुछ चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, पिवोटल पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, इसलिए वी विल बी डिस्कसिंग द चैप्टर्स टॉपिक वाइज और छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके. तो आज लेक्चर वन है इस पूरे नए सीरीज का, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया. सिंस पहला जो चैप्टर है दैट इज इंडियन आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पॉटरी, तीन पार्ट्स में आई हैव डिवाइडेड दिस. अगले दो दिन तक हम करेंगे, आज करेंगे एंशिएंट इंडिया में आर्किटेक्चर, कल हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मिडिवल इंडिया में आर्किटेक्चर किस तरीके से था, एंड इन द क्लास डे आफ्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर्किटेक्चर इन मॉडर्न इंडिया. उसके बाद एक क्लास में हम लोग स्कल्पचर डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन टिल मॉडर्न इंडिया, और एक क्लास में पॉटरी डिस्कस करेंगे. सो इन फाइव क्लासेस वी विल बी फिनिशिंग द एंटायर फर्स्ट चैप्टर. इसी तरह जो भी बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे उसको मैं दो दो या तीन तीन पार्ट्स में लेके चलूंगी. तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो विद इन अ सेशन वी विल बी फिनिशिंग ऑफ. ठीक है, हेलो शुभा, हेलो सौरभ, हेलो अर्पित, हेलो श्वेता, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. हाँ जी श्वेता, दिस इज द फर्स्ट क्लास, नया सीरीज स्टार्ट हुआ है आज से, फर्स्ट लेक्चर है आज. एवरी डे 8 PM पे वी विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर क्लास. ठीक है, और जो हम लोगों का करंट अफेयर्स का क्लास होता है MCQ वाला, दैट विल टेक प्लेस एट 11:45 AM एवरी डे. ठीक है, हाँ हाँ, इसका तो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगा, ये सारे सेशंस YT पे आपको अवेलेबल होंगे. पोस्ट द क्लास आप लोगों को ये सारे सेशंस मिल जाएंगे, क्लास के बाद एंड जब हो क्लास वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी शेयर हो जाएगी. ठीक है, हेलो विशाल, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. ऑन दैट नोट लेट्स टेक अ क्विक लुक आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि आर्किटेक्चर भाई किस तरीके से प्रोमिनेंट था, किस तरीके से प्रोमिनेंस में आया, फॉलोड बाय इंडस वैली, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, तीनों ही सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर किस तरीके से था एंड वॉट वर द मेजर एरियाज ऑफ द सेम. ठीक है, हेलो सुहाना, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. ऑल द कॉमेंट्स आर विजिबल टू मी, कहीं पे भी किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन आए जस्ट लेट मी नो, आई हेल्प यू विद द सेम. ओके, बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक क्विक रिमाइंडर, 31 मार्च से यानी 31st of March कल से हम लोगों के जो भी अन अकेडमी के नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, आइकॉनिक, GS कॉम्बो और ऑप्शनल बैचेस, अगर आप उसमें रजिस्टर करते हैं बाय टुनाइट, आज रात तक आप कोड यूज कर सकते हैं SHIVGLIVE, और आपको हर बैच में 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा टिल 31 जुलाई 2022. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों के जो प्रोमिनेंट बैचेस हैं, अपकमिंग कॉम्बैट कोर्सेज होंगे, एज वी मूव अहेड इनटू द सेशन आई विल टेल यू अबाउट द सेम एज वेल. ठीक है, यस बीरज, दिस इज द फर्स्ट क्लास, आज फर्स्ट लेक्चर है इस आर्ट एंड कल्चर वाले सीरीज का. ठीक है, अच्छा, आई थिंक दैट साउंड इज फुल फ्रॉम माई एंड, आप एक बार ट्राई करो देवेश, इफ यू कैन ट्राई टू इन्हांस द साउंड फ्रॉम योर एंड, दिस इज द मैक्सिमम दैट माई माइक कैन गो टू. ठीक है, हेलो अजय, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. नाउ कमिंग टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वी ऑल नो इंडिया में आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर बहुत बहुत पुराना है, एंड जब भी हम आर्किटेक्चर की आर्ट की बात करते हैं, वन थिंग दैट वी नो अबाउट आर्किटेक्चर इज कि लिविंग एक्सप्रेशन होता है ये सोसाइटी का, कि थ्रू आउट हिस्ट्री क्या क्या चेंजेस हुए, कहाँ पे पहले पत्थरों के हाउस जो बनाए जाते थे वो बहुत कच्चे घर होते थे, वहां से लेके जो ट्रांजिशन आया फ्रॉम बिग ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स, हाउ डिड दैट हैपन, द प्रोमिनेंस कहाँ पे पहले झोपड़ों में रहते थे, थैच रूफ्स यूज करते थे, वहां से लेके मार्बल हाउसेस, टाइल्ड रूफ्स, बेक्ड ब्रिक, ये पूरा जो ट्रांजिशन आया, दिस इज व्हाट आर्किटेक्चर है शोन अस अबाउट. ठीक है, आर्किटेक्चर का जो लिटरल मीनिंग होता है, द वर्ड आर्किटेक्चर, दिस एक्चुअली मीन्स बिल्डिंग, एक लैटिन टर्म से ये लिया गया है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है बिल्डिंग. और जो टर्म होता है स्कल्पचर, ये एक इंडो यूरोपियन मिक्स टर्म है जिसका मतलब होता है क्लीव करना या स्कल्प्ट करना, मतलब किसी चीज को नकाशना या नकाशी करना. ठीक है, अगर कभी भी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस पूछा जाए, आर्किटेक्चर में हमेशा बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, बहुत अलग अलग किस्मों का मटीरियल यूज करा जाता है. जैसे अगर हम ताजमहल का भी एग्जाम्पल दें, ऑल्दो द एंटायर ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल, बट वहां पे अलग अलग चीजों को यूज किया गया है, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को यूज किया गया है. उसी हैंड पे, ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कभी भी बात करते हैं स्कल्पचर की, तो जैसे कहीं पे जो नटराज की मूर्ति है, या फिर जो मदर गॉडेस के इमेजेस हमको मिले हैं, स्कल्पचर्स हमको मिले हैं फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो एक ही मटेरियल के बनाए गए, उसमें कोई चेंज नहीं है. तो स्कल्पचर जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल मटीरियल का होता है, लेकिन आर्किटेक्चर में आपको अलग अलग मटीरियल्स देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट यहां तक जो किसी को नहीं समझ आया, प्लीज लेट मी नो. हेलो सिमरन, गुड इवनिंग, हेलो कित्सिया, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. नहीं नहीं, डोंट वरी, आई विल बी कवरिंग द एंटायर पार्ट विशाल सुहाना, टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26
30 लेक्चर्स तक होने चाहिए. बाय द 30th of April वील बी कवरिंग दिस. तो पूरा महीना चलेगा 8 बजे ये क्लास. आई ट्राई टू फिनिश द एंटायर बुक, ठीक है. और अगर कोई चैप्टर बहुत ही छोटा है तो आई ट्राई कि मैं दो चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन कर दूँ, सो दैट विद इन 30 चैप्टर्स, विद इन 30 सेशंस, वी आर थ्रू विद द एंटायर बुक, ठीक है. एब्सोल्युटली भूपेंद्र, स्कल्पचर्स में मोनोलिथ्स भी आ जाते हैं. मोनोलिथ्स ही, कभी भी हम अगर स्कल्पचर की बात कर रहे हैं वो सिंगल होता है. हम अगर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी बिग, दैट हैज़ टू बी अ एंटायर बिल्डिंग, ठीक है. एंड डो नॉट फियर आर्ट एंड कल्चर विशाल, वील टेक इट फ्रॉम हियर. एक एक चैप्टर को आराम से डिस्कस करते हैं. जहाँ पे जो भी डिस्कस डाउट क्वेरी क्वेश्चन है जस्ट आस्क मी, आई हेल्प यू विद द सेम, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर ये दो ऐसी चीज़ें हैं विच हैव गॉन हैंड इन हैंड, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सिविलाइजेशन में, बी इट इंडस वैली, बी इट द मॉडर्न सिविलाइजेशन, दिल्ली सल्तनत हो, मुगल एम्पायर हो, कोलोनियल इंडिया हो, हर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ने हर एक एक सिविलाइजेशन का इम्प्रिंट बेयर करा है. हर आर्किटेक्चर में, हर पेंटिंग में, हर बिल्डिंग में फ़र्क देखने को मिला है. अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, अलग अलग स्कल्पचर्स हमको देखने को मिले थ्रू आउट द इंडियन हिस्ट्री. सो हम जब भी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, आई ऑलवेज से दिस, इंडियन हिस्ट्री को अगर कभी भी साल के हिसाब से पढ़ोगे, यानी अगर ईयर्स को लेके पढ़ोगे, कभी याद नहीं रहेगा, यू विल नॉट रिमेंबर इट. ट्राई टू लर्न हिस्ट्री वाया इवेंट्स, ट्राई टू लर्न हिस्ट्री वाया द सोसाइटी दैट वॉज प्रेजेंट. जो भी उस पॉइंट का आर्किटेक्चर था उस बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करो, उससे हमेशा आपको याद रह जाएगा, ठीक है. यहाँ तक सबको क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, प्लीज एक बार बता दो. ग्रेट. सो दिस क्लास इज 8 PM एवरी डे. रफली 40 से 45 मिनट तक का क्लास होगा. छोटा टॉपिक है तो 30-35 मिनट्स में वील वाइंड अप, वरना 8:45 तक वील वाइंड दिस अप, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास जो है वो 9 बजे होता है 9 PM अनअकैडमी ऐप पर. स्पेशल क्लास होता है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है. सो विद इन 45 मिनट्स मैक्सिमम वील बी वाइंडिंग दिस क्लास अप, ठीक है. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अर्पित, अगर सिंगल मटीरियल से बनाई जाए तो इट विल बी एब्सोल्युटली सिंगल मटीरियल से बनाई जाए तो स्कल्पचर होगा. बहुत सारे मटीरियल से बनाई जाए तो आर्किटेक्चर होगा. आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक्चुअल में, लिटरल मीनिंग होता है बिल्डिंग. और जो स्कल्पचर होता है उसका मतलब होता है क्लीव करना किसी चीज को, किसी चीज की नक्काशी करना, ठीक है. स्कल्पचर जो होता है हमेशा कंपेयर टू आर्किटेक्चर छोटे साइज का होता है, एक ही जगह बनाया जाता है. आर्किटेक्चर हमेशा वाइड होता है, बड़ा होता है, दैट इज स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया, ठीक है. यहां तक सबको क्लियर? प्लीज एक बार मेरे को बता दो. किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन जो नहीं समझ आया यहां पे? ग्रेट, ग्रेट. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट. अब हम जब भी बात करते हैं, वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनी पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, हम एंशियंट आर्किटेक्चर को बेसिकली डिवाइड करते हैं हरप्पन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता एज और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में, ठीक है. आज हम जो जो डिस्कस करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इंडस वैली, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न. साउथ इंडियन और गुप्ता एज की जो टेम्पल्स हैं वो मैं कल डिस्कस करूंगी, ठीक है. द रीजन बींग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द टाइप ऑफ टेम्पल्स, ठीक है. जो 7 कैटेगरीज हैं या जो 5 कैटेगरीज हैं टेम्पल्स की, उसके तहत कौन से टेम्पल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या उनके बीच के डिविजन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल UPSC उससे क्वेश्चन पूछता है. वी विल डू दैट टुमारो. आज बेसिक देखते हैं कि इंडस वैली से आर्किटेक्चर की कहानी कैसे स्टार्ट हुई, कौन से सेंसिबिलिटीज, विविड इमेजिनेशन लोगों ने यूज करें, एंड व्हाट वर द एरियाज दैट वी गॉट इनटू, ठीक है. यहां तक सबको क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन? परफेक्ट, परफेक्ट. नाउ कमिंग टू इंडस वैली. इंडस वैली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जब भी हम बात करते हैं हमको पता है दैट इज द हरप्पन सिविलाइजेशन, जहाँ पे हम लोगों को सिटाडेल्स मिले, जहाँ पे हम लोगों को ग्रेनरीज मिली, जहाँ पे हम लोगों को ग्रेट बाथ मिला, ठीक है. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करते हैं दैट इज टाउन प्लानिंग. मतलब जिस तरीके से, जिस ब्रिस्क तरीके से यहाँ पे टाउन्स को प्लान किया गया था, जिस सटीक तरीके से टाउन्स को बनाया गया था, हर रोड्स 90 डिग्री पे होंगी, जहाँ पे घर की एंट्रेंस होगी वो छोटी छोटी पतली लेन्स होंगी, जहाँ पे मेन रोड होगी वो चौड़ी सड़कें होंगी, ठीक है. उसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज किया जाएगा घरों में, जहाँ पे बाथरूम्स होंगे वहाँ पे प्रॉपरली इस तरीके से टाइल्स लगाई जाएंगी ताकि पानी रुके नहीं, प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, जितना भी ड्रेनेज होगा सारा कुछ कवर्ड होगा. ये सारा टाउन प्लानिंग का पार्ट था विच वॉज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लेंडलीनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, एंड द क्लेंडलीनेस वॉज नॉट जस्ट पब्लिक क्लेंडलीनेस बट ओवरऑल पर्सनल क्लेंडलीनेस भी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है. सो दो प्रोमिनेंट फीचर्स इंडस वैली के हैं, पहला हुआ टाउन प्लानिंग, दूसरा हुआ क्लेंडलीनेस, जहां पे हमने देखा इनका वेल डन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है. उसके अलावा सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जब भी आर्किटेक्चर की बात करते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन में, दैट कम्स इन द पार्ट ऑफ अर्बन सिटीज, जहां पे अलग अलग तरीके से सिटीज को डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है. नाउ हाउ वाज दिस डिवीजन डन?
पहले तो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न्स होते थे। ग्रिड पैटर्न का क्या मतलब होता है, जो घर होते थे इस तरीके के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस करके बनाए जाते थे कि आप कहीं से भी निकलो यू कैन एक्चुअली कम आउट टू द मेन रोड। 90 डिग्री के एंगल्स पे बनाए जाते थे, चौड़ी सड़कें होती थी ताकि जो भी कार्ट्स वगैरह वट एवर मशीनरी दे हैड वट एवर वेहिकुलर मोड दे हैड आराम से सिटीज के थ्रू पास हो जाया करे, ठीक है। सेकेंड थिंग थी ये जो प्रॉपर टाउन प्लानिंग होती थी अर्बन सिटीज में, इसमें ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम बहुत ज्यादा होता था। नालियाँ हर जगह से कवर्ड होती थी, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता था कि नालियाँ ना यू नो खुली हुई हैं, ड्रेन्स ओपन है। इट वॉज ऑलवेज एंश्योर दैट दैट ड्रेन्स आर प्रॉपरली क्लोज, एंश्योर किया जाता था ड्रेन्स कहीं पे भी ओपन नहीं है, ठीक है। अच्छा मोनालिसा डोंट वरी अबाउट दैट, अगर अभी नोट्स नहीं दिख रहे जस्ट गो थ्रू द सेशन, फॉलो मी पॉइंट बाय पॉइंट। मैं PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। उससे आपको ना ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड एब्सोल्युटली राइट अश्विनी, जो आर्किटेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, दैट इज मोर मैथमेटिकल। जो स्कल्पचर होता है दैट इज मोर और लेस विविड इमेजिनेशन, मैं सोच के कुछ भी बना सकती हूँ, कोई भी मूर्ति किसी भी फॉर्म में बना सकती हूँ। बट फॉर आर्किटेक्चर फॉर अ बिल्डिंग मुझे प्रॉपर मैथ्स जानने की जरूरत है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, क्या हाइट लेंथ विथ होना चाहिए, सब जरूरी है, ठीक है। कमिंग बैक टू द इंडस वैली आर्किटेक्चर, अब पहला पार्ट हो गया इसमें टाउन प्लानिंग, जहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट ड्रेनेज सिस्टम और सैनिटेशन होता था। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जाता था कि शहर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, ठीक है। एक जगह डिवाइड कर देते थे सिटाडेल, जो कि होता था वेस्ट की तरफ शहर के, दूसरा होता था छोटा पार्ट जिसको हम लोअर सिटी बोलते थे। सो हाउ डिड दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, इस तरीके से ये लोग सिटाडेल बनाते थे। ये जो ऊपर का पार्ट हुआ ये इतना ऐसा गोल नहीं होता था, थोड़ा चिपटा सा होता था, इस तरीके से होता था। ये हो गया आपका सिटाडेल, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो हो गया आपका लोअर सिटी, ठीक है। ये हो गया आपका लोअर सिटी। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे मेनली जो इम्पोर्टेंट अरीनाज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है, ग्रेनरीज हैं, वो सब कुछ सिटाडेल में होती थी। क्या लॉजिक था इन लोगों का कि हम क्यों ग्रेनरीज को सिटाडेल में रखेंगे, अगर कभी भी फ्लड आई तो जो लोअर रेजिडेंशियल एरिया है वहां पे पानी आए, ताकि अगर जान और माल में से हमको माल को बचाना है, अगर हमको प्रॉपर्टी को बचाना है, तो यहाँ पे मेजर चीजें सेव हैं, लोग बचने के लिए ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिटाडेल में सारे इंपॉर्टेंट एरियाज होते थे, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्टयार्ड्स, पिलर्ड हॉल, सब कुछ होता था। लोअर पार्ट जो होता था सिटी का, जहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट में अकर करता था, वो होता था रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते थे, और इन एरियाज में मैसिव ब्रिक वॉल्स होती थी ताकि लोगों के सुरक्षा के लिए किसी ना किसी तरीके के वॉल्ड बाउंड्रीज बनाई जाएं, जहाँ पे जो मटेरियल यूज होता था दैट वाज बर्न्ड ब्रिक। यहाँ तक क्लियर? इस इन दोनों पॉइंट्स में किसी को कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया? हाँ ना, यहाँ तक बता दो। अच्छा, यूजर आईडी SKM, वी विल बी शेयरिंग दी PDF ऑन दी टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक टीम नीचे शेयर कर देगी कमेंट्स में थोड़ी देर में, ठीक है। सिटाडेल को ही अपर पार्ट बोलते थे पुनीत, सिटाडेल को ही अपर पार्ट बोलते थे, ठीक है। ग्रेट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। अब ये जो लोअर पार्ट है सिटी का, लोअर पार्ट में हमको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता था। डिफरेंस किस तरीके से, डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, जब भी हम बात करते हैं कि भाई अमीरी और गरीबी का फर्क, जो सोशल डिस्पैरिटी थी, हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो सोशल डिस्पैरिटी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी इंडस वैली के टाइम पे भी, वो हमको देखने को कैसे मिलेगी, जिन लोगों के पास कंपेरेटिवली कम पैसा है उनके पास 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम हाउसेज होते थे, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता था, जो ज्यादा वेल ऑफ होते थे, उनके डबल स्टोरी हाउसेज भी देखने को मिले हैं। सो ये जिस तरीके से घर बनाए जाते थे, घरों का स्ट्रक्चर सेम होता था, मतलब जो मटीरियल यूज होगा कंस्ट्रक्शन का वो सेम होता था, बट डिपेंडिंग ऑन द केपेबिलिटी ऑफ द पीपल, अलग अलग घरों में अलग अलग रूम्स होते थे, नंबर ऑफ रूम्स या अलग अलग वो होते थे, फ्लोर्स होते थे। क्लियर? यहां पे किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, एनीवन टिल दिस पॉइंट? ग्रेट ग्रेट, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, फिर आते हैं हम स्ट्रीट्स पे। स्ट्रीट्स में जो स्ट्रीट सिस्टम था, फाइन ड्रेनेज सिस्टम होता था, वेल अरेंज वाटर सप्लाई सिस्टम होता था, ठीक है, स्ट्रीट लाइटिंग का सिस्टम होता था, वॉच एंड वॉर्ड सिस्टम होता था। नाउ वॉच एंड वॉर्ड सिस्टम क्या होता है, जहां पे रात में चोरी चक्कारी नहीं होनी चाहिए, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो लोग लॉ तोड़ते हैं, इंश्योर किया जाएगा कि उनको हम लोग मैनेज कर रहे हैं, इंश्योर किया जाता था कि उन पे ध्यान दिया जा रहा है, जो हम चौकीदारी सिस्टम अब जानते हैं उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग पर्टिकुलर थे कि वेस्ट स्कैटर नहीं करेंगे, शहर के अंदर गंदगी नहीं फैलाएंगे, दे विल हैव प्रॉपर वेस्ट बिन्स, वेस्ट मटीरियल है, ट्रैश है, वो एक ही जगह फेंका जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक वेल्स होते थे हर स्ट्रीट में, और
जो मेन हाउसेस होते थे, मेन स्ट्रीट्स होती थी, उनकी लेंथ होती थी 9 फीट से लेकर 30 से 34 फीट, जिसको प्रॉपरली डिवाइड किया जाता था थ्रू दिस ग्रिड सिस्टम. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? यहां तक कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, एनीवन? हाँ, देर वो देर सी हम जब जब भी जैसे हम लोग अक्षय कमिंग टू योर पार्ट, यहाँ पे मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया सुगौली का. सुगौली का मैं एग्जाम्पल क्यों, सनौली का सॉरी, मैं एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, फॉर वन सिंपल रीजन. जिस तरीके से वहाँ पे हम लोगों को स्कल्पचर्स मिले हैं, जिस तरीके से टाउन प्लानिंग वहाँ पे हुई है ना, वो देखने की बात है. वहाँ का उस टाइम की जो वेपनरी हमको मिली है, दैट इज ऑलमोस्ट बेटर देन वॉट वॉज देयर इन सुमेरिया एंड मेसोपोटामिया. एंड मेसोपोटामिया वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ IBC. और IBC और मेसोपोटामिया के कंपैरिजन में द वे IBC वॉज बिल्ट अप, इट वॉज रिमार्केबल. जितना साइंटिफिकली, जितना मेटिकुलसली IBC को बनाया गया था, आई डोंट थिंक वर्ल्ड का कोई भी सिविलाइजेशन उस तरीके से अभी तक बनाया गया है. ठीक है, और जितना ध्यान यहाँ पे क्लेनलीनेस एक्टिविटीज में दिया गया था, अभी तक कहीं पे भी नहीं दिया गया है. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? ग्रेट ग्रेट, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल की. अब बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज होता था यहाँ पे? सो इन द बिल्डिंग, अरे मोनालिसा सिटाडेल कुछ नहीं होता यार. देखो, हम यूजली मैप ऐसा बनाते हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, हम यूजली मैप हमेशा ऐसा लेके चलते हैं. तो वेस्टर्न पार्ट होगा जो शहर का, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा, और जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे कंस्ट्रक्शन नीचे की तरफ होगा. तो यहाँ पे ये जो लोअर पार्ट है, यहाँ पे लोगों के हाउसेस बने होंगे, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज होंगे वो रहेंगे. जितना भी मेजर बिल्डिंग्स हैं, ग्रेनरीज हो गई, जितना भी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स की, पिलर्ड हॉल्स की, वो सब कुछ सिटाडेल्स में होगा. ठीक है, एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग, जिसका क्वेश्चन था निखिल, स्ट्रीट लाइट का मतलब प्रेजेंट स्ट्रीट लाइटिंग, जहाँ पे हम तार और ये सब लगा के यूज करते हैं, बट जो मशाले वगैरह लगाई जाती हैं वो सिस्टम. ठीक है, क्योंकि अगर बर्नट ब्रिक यूज कर रहे हैं, मतलब दीज पीपल वर वेल अवेयर ऑफ फायर. तो किस तरीके से मशाल वगैरह लगा के जो स्ट्रीट लाइट से उनको जला सकते थे, उजागर कर सकते थे, दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीट लाइट. समझ आ गया? यहां तक सबको क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन? परफेक्ट परफेक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फॉर द सेम रीजन, दैट इज अ मिस्टेक यार. अब क्यों नहीं करा इंडियन गवर्नमेंट, उसका रीजन तो इंडियन गवर्नमेंट देगी, बट सबसे बड़ा पार्ट है दैट दे एक्चुअली शुड डू इट. हैड इट बीन इन यूएसए, यूएसए ने तो पूरा शहर ही अभी तक डिक कर देना था, दे वुड हैव मेड इट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. दिस इज समथिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू डू. बिल्डिंग मटेरियल्स में हम लोग यूज करते थे जो स्टोन हाउसेज होते थे, कोई भी स्टोन बिल्ड हाउसेज नहीं होते थे इंडस सिटीज में. ठीक है, स्टेयर केसेज होते थे बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, सॉलिड होते थे, रूफ फ्लैट होते थे. तो हम जो घर ऐसे बनाते हैं, ऐसे घर नहीं होते थे, कंपेरेटिवली इस तरीके का स्ट्रक्चर आता था. एग्जैक्टली, पैलेलोग्राम शेप होता था. तो हम जो घर में ऐसा ये चीज दिखाते हैं ऊपर, ये नहीं होता था, पैलेलोग्राम शेप स्ट्रक्चर्स होते थे. मटीरियल में बर्नड ब्रिक्स को यूज किया जाता था, सन ड्राइड ब्रिक्स को यूज किया जाता था, एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था, जहां पे हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रेन्स होंगे घरों के अंदर, अंडरग्राउंड ड्रेन्स होते थे. अब लॉजिक देखो, उनको ये पता था कि ड्रेनेज सिस्टम घरों के ऊपर या बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे गंदगी होगी. सो दे एंश्योर्ड कि ड्रेनेज सिस्टम को अंडरग्राउंड रखेंगे, लोअर रीजन में रखेंगे, ताकि जो भी गंदगी है, वेस्ट है, वो बाहर को नहीं आए, और उस पर स्टोन स्लैब लगा दिया जाएगा, सो दैट इट इज नॉट स्मेलिंग बैडली. और ब्रिक्स को यूज किया जाता था टू मेक सोक पिट्स. यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन? ग्रे, हाँ विशाल, पैलेरोग्राम शेप, मैंने वही बता दिया. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्रीनरी और ग्रेट बाथ में क्या फर्क था. ग्रीनरी जो सबसे बड़ी मिली है वो हड़प्पा में मिली है, 169 बाय 135 फीट की, जहां पे दो रूम टेनमेंट होता था एक कॉमन कोर्टयार्ड में. इसको मेजरली ग्रीनरी को यूज किया जाता था टू स्टोर फूड, ग्रेन्स एंड जो भी होता था. ठीक है, जो भी ग्रेन्स आती थी उसको स्टोर करने के लिए इसको रखा जाता था. भले ग्रेन्स टैक्सेस के रूप में मिले, भले ग्रेन्स इनको गिफ्ट के रूप में मिले, किसी भी फॉर्म में मिले, या फिर स्टॉक की तरह भी, बफर स्टॉक में भी यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था. दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ग्रेट बाथ का, जो कि हमको मोहनजोदारो में देखने को मिला, कि ये बहुत बड़ा पब्लिक बेदिंग हॉल बनाया गया, जहां पे पानी को इस तरीके से लेकर आया जाता था, या इस तरीके से, ताकि वहां पे प्रॉपर गैलरीज हैं, रूम्स हैं चेंज करने के लिए. साथ ही साथ में हरप्पन सिविलाइजेशन का सबसे साइंटिफिक और मेटिकुलसली प्लान्ड स्ट्रक्चर्स में से आता है ये ग्रेट बाथ. ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? इसमें किसी को कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन?
ग्रेट ग्रेट, आई डो नॉट सी एनी ग्रेट, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे दो चीज़ें जो रह गई, जो सील्स मिली थी हड़प्पा की और जो हड़प्पा की ज्वेलरी मिली थी, ठीक है, ये मैं करवाऊंगी स्कल्पचर वाले पार्ट में और पॉटरी वाले पार्ट में। सो डोंट वरी, आई एम नॉट मिसिंग ऑन एनी पार्ट, मुझे याद है, वो नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी जहाँ मैंने स्कल्पचर और पॉटरी बोला था, ठीक है। बिफोर आई मूव अहेड, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट। अनअकैडमी का जो कॉम्बैट है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में हम लोग करवाएंगे ऑन संडे। कोड इज SHIVGLIVE, प्लीज यूज दिस कोड एंड आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ योर प्रेपरेशन, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर, कोई भी डाउट, मेरी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? परफेक्ट परफेक्ट, चलो नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, कमिंग टू द मॉडर्न आर्किटेक्चर। अब आफ्टर द एज ऑफ इंडस वैली, इंडस वैली के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हमको हिंदुस्तान में देखने को मिला वो था मॉडर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में किस तरीके से काम होता था, मॉडर्न आर्किटेक्चर में हाउ इट वर्क, मॉडर्न आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता था पिलर्स। ये जो पिलर्स आते थे कहाँ से लिए गए थे, क्या कॉमनैलिटीज थी, क्या डिफरेंस था, लेट्स टेक अ लुक एट दैट, ठीक है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में जितने भी पिलर्स थे वो आर्किमिनियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड थे। आर्किमिनियन आर्किटेक्चर मतलब पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड थे, लेकिन कुछ कुछ कॉमनैलिटीज थी, कुछ कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है। किस तरीके से फर्क आया, किस तरीके से डिफरेंस आया, कॉमनैलिटीज क्या थी, पॉलिश स्टोन को यूज किया जाता था, लोटस वाले जो मोटिव्स हैं जैसे हम अशोका का पिलर में देखते हैं वहां पे इन्वर्टेड लोटस को यूज किया जाता था, ठीक है। इस तरीके का वहां पे इन्वर्टेड मोटिव होता था वो यूज किया जाता था, इस तरीके से अबैकिस बनाया जाता था, ये इन्वर्टेड लोटस को यूज किया जाता था, पहला चीज। दूसरा चीज, आर्किमिनियन पिलर्स को पीसेस में कंस्ट्रक्ट किया जाता था। मतलब आर्किमिनियन पिलर्स कैसे होते थे, एक सॉलिड ब्लॉक रखा, फिर दूसरा सॉलिड ब्लॉक, उसके ऊपर तीसरा सॉलिड ब्लॉक और फिर छोटा सा सॉलिड ब्लॉक, और इसको जोड़ दिया। ऑन दी अदर हैंड जो अशोकन पिलर्स होते थे, यहाँ पे पूरा का पूरा एक ही रॉक होता था, इसी को कट और कार्व किया जाता था और इसी से पिलर बनाया जाता था, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये होगा अशोकन पिलर्स जो होते थे कि इस तरीके से भाई उनकी आर्किटेक्चर और इस तरीके से बनाया जाता था। दिस वुड बी द पार्ट जहां पे जो पर्शियन एम्पायर में हम लोगों को पिलर्स मिले हैं वो इस तरीके से बनाए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न के होते थे रॉक कट, मतलब एक ही रॉक को काट के उस पर नक्काशी की गई, जिसके तहत हमको जो कार्वर है जो नक्काशी करता था उसकी सुपीरियर स्किल्स के बारे में वी गॉट टू नो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो टॉप पोर्शन होता है पिलर्स का, ये वाला जो ऊपर का पोर्शन आता है इसको हम कैपिटल बोलते थे, एंड इट वॉज टिपिकली जिसमें बुल लायन एलिफेंट फिगर्स होते थे। हमेशा इस कैपिटल में बुल लायन और एलिफेंट फिगर्स को यूज किया जाता था, फॉलोड बाय नीचे एक स्क्वायर या सर्कुलर अबैकिस रखा जाता था जहां पे एक इन्वर्टेड लोटस होता था। तो अबैकिस का जो बेस होता था जो हमने देखा है वहां पे होता था एक इन्वर्टेड लोटस, इस तरीके का डिस्क होगा वहां पे इन्वर्टेड लोटस बना होगा जिसके ऊपर ये अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको, पिलर्स का डिफरेंस समझ आ गया, पर्शियन पिलर्स में और अशोकन पिलर्स में क्या फर्क है, और जो मॉडर्न एम्पायर में अशोकन एम्पायर के पिलर्स होते थे उसके क्या क्या प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। येस नो, क्विकली टेल मी इन द कॉमेंट्स। एंड वॉशरूम्स वर टूवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सिटी, नॉट एग्जैक्टली आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द सिटी बोलू, आउटसाइड ऑफ द हाउसेज, सो सॉरी, आउटसाइड ऑफ द हाउसेज, ठीक है। चलो ग्रेट ग्रेट, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर की सबसे प्रोमिनेंट फीचर पे जो थी स्तूपास, ठीक है। स्तूपास जो होती थी, स्तूपास चैत्य विहारा किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते थे और इनकी वर्किंग कैसी थी मैं वो पूरा शो करूंगी। स्तूपास और विहारास को बुद्धिस्ट और जैन मोनास्ट दोनों के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता था, ठीक है, दोनों के लिए बनवाया जाता था, सिर्फ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड नहीं है। ज्यादातर जो कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा फेमस कंस्ट्रक्शन जो थे वो ऑब्वियसली बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, बहुत सारे ब्राह्मणिकल गॉड्स को भी यहाँ पे स्कल्पचर्स में रिप्रेजेंट किया गया है, जो हिंदुइज्म से रिलेटेड गॉड्स हैं उनको भी यहाँ पे लाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट रेलिक्स जो हमको मिली है वो हमको मिली है राजगृह, कपिल वस्तु, वैशाली, रामग्राम, अलकप पावा, पीपली वन, कुशीनगर में। अब कमिंग टू द स्तूपास, कमिंग टू द पिलर्स, कमिंग टू द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, सारे याद करना बहुत मुश्किल है बट वी स्टिल नीड टू गो थ्रू देम। व्हेन आई विल बी डन विद आर्किटेक्चर ना, मैं एक टैबुलर फॉर्म में पूरा डेटा शेयर कर दूंगी, रिवाइज दैट बट दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट, ठीक है। उससे एटलीस्ट बेसिक्स कवर हो जाएंगे ऑफ ऑल द स्तूपास, ऑफ ऑल द चैत्यास, विहारास एंड ऑल ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर लाइक पिलर्स, ठीक है। अब अगर हम स्तूपा की बात करें, स्तूपा को किस तरीके से बनाया जाता था, स्तूपा के कंस्ट्रक्शन में एक अंडा होता था, हर्मिका होती थी, छत्रा होता था। अंडे का अंडा क्या होता था,
हेमिस्फेरिकल माउंड होता था विच वॉज सिम्बॉलिक ऑफ डर्ट विच वॉज यूज टू कवर बुद्धाज रिमेन्स, मतलब बुद्धा के जो भी मॉर्टल रिमेन्स थे उसको कवर करने के लिए एक अंडे जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था. सो दिस वॉज द होल स्तूपा. स्तूपा होती थी नेक्स्ट जहाँ पे बुद्धा के मॉर्टल रिमेन्स को रखा जाता था. ठीक है, यहाँ पे ये अंडा वाला पार्ट होता था दिस हेमिस्फेरिकल डोम जिसके नीचे मॉर्टल रिमेन्स ऑफ बुद्धा वुड बी देयर. ठीक है, ये पार्ट हुआ पहला अंडा वाला. ठीक है, द सेकेंड पार्ट केम दी हर्मिका विच वॉज अ स्क्वायर रेलिंग ऑन द माउंट. स्क्वायर रेलिंग हर्मिका जो हुई वो हुई ये वाली स्क्वायर रेलिंग, ये जो बनाई गई है. ठीक है, छत्र होता था सबसे टॉप का पार्ट जो हम लोगों के यूजुअली जो हिंदू टेम्पल्स में हम लोग जिसको कलश बोलते हैं या जहाँ पे झंडा या ध्वज लहराया जाता है. ठीक है, किसी भी मंदिर में तो यहाँ पे इस ध्वज को हम छत्रावली बोलते थे. हर्मिका हो गया ये नीचे वाला पार्ट और अंडा हो गया ये डोम जहाँ पे नीचे रखे जाते थे बुद्धा के मॉर्टल रिमेन्स को. यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन? अब बुद्धा के मॉर्टल रिमेन्स से क्या मतलब है? इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी हिज एशेज, इट कुड बी एनी ऑफ द क्लॉथ्स ही यूज, एनी ऑफ द लाइक एनी लाठी और एनी थिंग दैट ही हैड, ऑल सच थिंग्स. ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता था यहाँ पे सरकम एम्बुलेटरी पाथवेज और गेटवेज होते थे. हर स्तूपा में गेटवेज होते थे या एंट्रेंसेज होते थे. ठीक है, तो तोरण हो गया ये टॉप वाला जो डोर हुआ, इस चीज को हम तोरण बोलते थे. तोरण को यूजली जब हिंदू आर्किटेक्चर पढ़ोगे, जब गुप्ता टेम्पल्स पढ़ोगे, तोरण होता था मंदिर के ऊपर जो थोड़ा सा पार्ट आता था. ठीक है, जहाँ पे आजकल घरों में देखते हो जब दिवाली पे जो घर के दरवाजे के बाहर लगाया जाता है. ठीक है, उस टाइम तोरण ये एंट्रेंस होती थी. ठीक है, उसके बाद भूपेंद्र अलग छोटे छोटे पार्ट्स मैंने वही बताया ना, बुद्धा के रिमेन्स को कैसे रखते थे. एवरी रेलिक रिलेटेड टू बुद्धा, तो कहीं पे उनके कपड़े, कहीं पे उनके अधोवस्त्र, कहीं पे उनके कोई भी स्टिक या कुछ उन्होंने यूज करी, उनके सैंडल्स या चप्पल जो भी हो गया, इस तरीके से अलग अलग जगह रखे गए. ठीक है, समझ आ गया ये पार्ट? अच्छा नवीन, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? आई एम सो सॉरी, इट हैज बीन मिस समवेयर इन द कॉमेंट्स बिकॉज बैक टू बैक बहुत सारे कॉमेंट्स आई एम सो सॉरी इफ आई मिस्ड इट. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? ग्रेट ग्रेट, एब्सोल्युटली. सांची में भी जो स्तूप है वहां पे भी बुद्धा के रेलिक्स होंगे. ठीक है, उसके बाद वी यूज टू हैव अ काइंड ऑफ अ स्टेयरवे. ठीक है, फिर एक स्टेयरवे होता था. सो हम लोगों को स्तूपा का स्ट्रक्चर कभी भी बनाना है, तीन चीजें याद रखो. एक ये अंडा याद रखना, ठीक है, जहां पे डोम आएगा, डोम के ऊपर ये जो हर्मिका वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर ये याद रखना है, फॉलोड बाय द छत्रा जिसको हम लोग अम्ब्रेला बोलते हैं. ये तीन स्ट्रक्चर्स आपका जो जितना मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ ना, अगर कभी भी किसी पेपर में ये बना के आने, बस इतना बना के आ जाना, दिस इज मोर देन सफिशियंट पार्ट. ठीक है, दिस इज मोर देन सफिशियंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्तूपा का ड्रॉइंग. यहाँ तक सबको क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आ रहा है यहाँ तक किसी को, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. आई थिंक अभी तक मेरे को जितना लग रहा है कि एवरीवन हैज गॉटन द पार्ट क्लियरली. ग्रेट ग्रेट, नाउ कमिंग टू द चैत्यास. चैत्यास होते थे प्रेयर हॉल्स. ठीक है, तो स्तूपा हो गई वो जगह जहां पे मॉर्टल रिमेन्स रखे गए हैं या रेलिक्स रखे गए हैं रिलेटेड टू बुद्धा. कमिंग टू चैत्यास, चैत्यास होते थे प्रेयर हॉल्स जहां पे पूजा पाठ किया जाता था. अब क्योंकि ये लोग मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग वेदिक चैंटिंग में बिलीव नहीं करते थे, ये लोग साइलेंट प्रेयर्स में बिलीव करते थे. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे जितने भी प्रेयर हॉल्स होते थे उनको स्तूपास के साथ ही बनाया जाता था यूजुअली, और ये होते थे रेक्टेंगुलर हॉल्स. तो अब जैसे इस इमेज में देखो, अगर ये इमेज दिख रहा है, स्ट्रेट अवे इस तरीके का एक रेक्टेंगल है, ये गया और इस तरीके से हॉर्स शू शेप रेक्टेंगल बनाए ये. ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पिलर्स हैं और एकदम स्ट्रेट अवे हॉल है, ऊपर से ये हॉर्स शू शेप में आया हुआ है. इसको हम बोलते थे चैत्या, जो कि सेमी सर्कुलर रेयर एंड होता था. मतलब आपका जो भी चैत्या होगा इस तरीके का प्रेयर हॉल होगा, लाइक अ हॉर्स शू शेप. ठीक है, जहां पे पिलर्स होंगे जो आपको सेपरेट करेंगे दो आइल्स में, एंड दैट इज हाउ द चैत्या वुड वॉक. ठीक है, और यहाँ पे मंक्स बैठते थे, खड़े होते थे और प्रार्थना करते थे या पूजा करते थे. ठीक है दीपक, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. ठीक है, उसके बाद वो बाद में हो गया विशाल, वो बुद्धा का जब जब उसमें दो सेक्ट में डिवाइड हुआ ना, महायान और हिनायान बुद्धिज्म में, तब से फिर मूर्ति पूजा और वो सब होने लगा. वो हमने एंशिएंट में कवर करा है तो वो अभी छोड़ दो, जब मैं मिडिवल पढ़ाऊंगी अगली बार स्पेशल क्लासेस में, वहां पे मैं कवर करवा दूंगी. ठीक है, इनिशियली जिस कॉन्सेप्ट से लेकर आए थे चैत्या, दैट वॉज जस्ट अ प्रेयर हॉल जहाँ पे ये लोग बैठ के कॉन्सेंट्रेट करते थे, जहाँ पे ये लोग बैठ के जिसको हम बोलते हैं ना टुवर्ड्स निर्वाण जो जाते थे, नॉलेज की प्राप्ति करते थे. ठीक है, विहारास होते थे मंक्स के घर जहाँ पे मंक्स रिजाइड कर पाए, और इनिशियली चैत्या विहारा दोनों को वुड से बनाया जाता था, बाद में स्टोन कट से भी बनाया जाने लगा. ठीक है,
यहाँ तक लिया। विहारास को इनिशियली वुड से और स्टोन जो कट होता है स्टोन से बनाया जाता था, सो दैट वहाँ पे मंक्स रिसाइड कर पाए। अगर कोई मंक बहुत ट्रैवल करके आया है एक जगह से दूसरी जगह एंड ही वॉन्ट्स टू स्पेंड सम टाइम, इंश्योर किया जाता था कि ही इज स्टेइंग देयर। यहाँ तक क्लियर सबको? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन? दिस इज द रेगुलर क्लास, टाइमिंग है इसका 8 PM गाइज। वी स्टार्ट दिस क्लास द 8 PM एवरी डे, आज से स्टार्ट हुई है, पूरा अप्रैल चलने वाले हैं। ये 8 बजे रोज हम लोग आर्ट एंड कल्चर करने वाले हैं 7 days इन अ वीक, ठीक है। इसके अलावा एक और क्लास होती है YTP एट 11:45 AM इन द मॉर्निंग। वील बी कवरिंग द करंट अफेयर डेली ऑन दैट क्लास, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी, चैत्यास विहारा स्तूपा, एज एन एक ही साथ रख लो इस पार्ट को, और द पिलर्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो हम लोगों का पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर आया, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में जहाँ पे आपके शुंगास, कनवास, कुशाना, शाकास, ये सारी डायनेस्टीज आई, यहाँ पे साथ ही साथ में सतवाहनास, अभिराज, वकाटकास, ये सारी डायनेस्टीज आई, यहाँ पे रॉक कट पेंटिंग्स आई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमको आर्किटेक्चर में देखने को मिला, रॉक कट पेंटिंग्स या केव्स हमको देखने को मिली। तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है रॉक कट पेंटिंग्स या केव्स के रूप में हमको देखने को मिलेगा, और पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड केव्स। अब टेंपल आर्किटेक्चर मुझे पता है वो भी इसी का पार्ट है, वरना लेसन बहुत लंबा हो जाएगा। टेंपल आर्किटेक्चर मैं कल कराऊंगी, सो डोंट वरी, आई एम नॉट मिसिंग ऑन एनी पार्ट, आई बी कवरिंग दैट टुमारो इटसेल्फ, ठीक है। महाबोधि जो मंदिर है वो महा दैट वॉज अ पार्ट, सी मंदिर की जब हम बात करते हो, मंदिर कभी भी किसी स्तूपा का या चैत्य का पार्ट नहीं हो सकता। मंदिर इज मोर और लेस रिलेटेड टू प्रेयर्स, जहाँ पे हम रेवरेंस की बात करते हैं। स्तूपा में कहीं ना कहीं हमेशा रेलिक्स होते थे, ठीक है। महाबोधि टेम्पल को ऐसे बनाया गया था जहाँ पे जैसे एक प्लेस ऑफ वर्शिप बनाई गई, ठीक है। एंड वकाटका का मतलब नहीं है, यूजर ID Dr. TJ, वकाटका जो है दैट वॉज अ किंगडम, ठीक है। एंशियंट इंडिया में किंगडम होता था, तो उसके लिए प्लीज एक बार RS शर्मा पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा कि वो किस एरिया में प्रोमिनेंस में रहते थे, ठीक है। कमिंग टू द थ्री टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल केव्स जो होती थी, केव्स एक होती थी वॉल्ट रूप या चैत्या हॉल्स, ठीक है, जो अजंता, भाजा और पीतल खोरा में देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक होती थी एप्साइडल वॉल्ट रूफ पिलरलेस, जो थाना नटसूर में देखने को मिलेंगी। एक होती थी फ्लैट फ्लैट रूफ क्वाड्रेंगुलर केव्स, जो कि कोंडिविटी मुंबई में देखने को मिलेंगी। अब कमिंग टू द पार्ट एप्साइडल फ्लैट रूफ, इनके मतलब नहीं समझ आ सकते, रट लो अगर रट पाओ, वरना मैं एक एक को कॉन्सेप्ट वाइज समझा रही हूँ कौन सा केव में क्या क्या फीचर्स थे, उतना पढ़ लो, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। यहाँ तक इस स्लाइड तक सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन? प्रेयर्स जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ चैत्या देन, ठीक है, वो चैत्या होगा, जहाँ पे भी प्रेयर है दैट इज अ प्रेयर हॉल इज अ चैत्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? ग्रेट ग्रेट। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ करला केव्स, करला केव्स जो है वो रॉक कट चैत्या हॉल है जो कि करला में एक्सकेवेट हुए। व्हाट इज अ रॉक कट चैत्या केव, मतलब यहाँ पे प्रेयर्स होती थी। अब क्योंकि प्रेयर्स करते थे, क्योंकि प्रोटेक्शन दी जाती थी रेन से, विंड से, बरांडा होता था, एक स्टोन स्क्रीन वॉल सेपरेट करती थी, और चैत्या हॉल्स में जो फिगर्स हैं, जो दीवारों पे फिगर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को बनाया जाता था, ठीक है। ये प्रोमिनेंट फीचर्स हो गए रिलेटेड टू करला केव्स। जो अजंता केव्स हुई, अजंता केव्स औरंगाबाद में है, जहाँ पे 29 केव्स मिली हैं, जिसमें से 4 चैत्या केव्स हैं, बाकी 10 से 9 तक जो केव्स हैं वो बिलोंग करते हैं 1st-2nd century BC को, 1926 केव बिलोंग करते हैं 5th-5th century AD को, ठीक है। पोस्ट दैट यहाँ पे जो थीम्स हैं बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, जटाकाज और अवदानास जो हैं उससे रिलेटेड है, मतलब अजंता केव्स में जो प्रोमिनेंस हमको रिलीजन देखने को मिला है दैट इज बुद्धिज्म। सो वन थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट एनी ऑफ द केव्स इज कि कौन से रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे केव्स को बनाया गया था, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, किसी को भी दोनों केव्स में? ग्रेट ग्रेट। देन आती है एलोरा केव्स। अब एलोरा केव्स सबसे इंपॉर्टेंट केव्स हैं। नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग द PDFs। हाँ, हर केव में पेंटिंग्स मिलेंगी। इंडिया में जितनी भी केव्स हैं, मैक्सिमम केव्स में भूपेंद्र पेंटिंग्स मिलेंगी आपको, या फिर उनका आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया जाएगा। पेंटिंग्स अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करेंगी, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन जो PDF मांग रहे थे सेशन का, टेलीग्राम का चैनल में सेशन के बाद यहीं शेयर कर दूंगी, उस पर आपको सेशन का PDF और हर क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्लास नाउ, एलोरा केव्स में 32 बुद्धिस्ट केव है, जैन और ब्राह्मणिकल केव्स का कॉम्बिनेशन है। बुद्धिस्ट केव्स टोटल 12 है, जहां पे वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड तारा, माया मयूरी, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, इन सब के बारे में मेंशन किया गया है। इन सब के
अलग अलग इमेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। जैन केव्स में ज्यादा इंपॉर्टेंटली हेविली काम करा हुआ है जो कि 9th सेंचुरी AD को बिलोंग करती हैं। हेविली प्रोट्रूडेड और ऑर्नेट का मतलब यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं, यहाँ पे जो डिपिक्शन किया गया है वो ज्यादा नक्काशी जो है वो ज्यादा अच्छे से की गई है, ठीक है। बराबर केव्स में भी पेंटिंग्स, एक एक करके आएंगे विशाल, डोंट वरी। हर एक एक एम्पायर वाइज ना सारे केव्स में कवर करूंगी, डोंट वरी। एंड येस पिंकी, द क्लासेज आर स्टार्टेड फ्रॉम टूडे इटसेल्फ, 8 PM पे ये वाला सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देन कम्स द ब्रह्मानिकल केव जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, जहाँ पे शिवा और विष्णु के अलग अलग अवतारों के इमेजेस बनाए गए हैं, केव्स नंबर 13 से 28, ठीक है। एलोरा केव सबको समझ आ गई, तो अजंता एलोरा में कभी भी डिफरेंस याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अजंता केव में सिर्फ बुद्धिज्म की पेंटिंग्स हैं, ऑन दी अदर हैंड एलोरा केव में तीनों रिलीजन दिखाए गए हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिकल, और अलग अलग जगहों पे दिखाए गए हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स बुद्धिस्ट साइट हैं, लेकिन बाद में वहां पे शैविज्म आने लगा था, और एलिफेंटा केव्स और एलोरा केव्स कंटेम्प्ररी हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। फर्क क्या है एलोरा केव्स में और एलिफेंटा केव्स में? एलिफेंटा केव्स में जो बॉडीज हैं स्लेंडर हैं, मतलब कंपेरेटिवली पतली बनाई गई हैं, और स्टार्क लाइट और डार्क इफेक्ट्स दिए गए हैं, मतलब शैडो इफेक्ट, जो रिफ्लेक्शन इफेक्ट है वो सब दिया गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? कभी भी डार्क और लाइट का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट होता है, दैट इज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा याद रखो, ठीक है। दैट इज स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, कि शैडो आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है, उस तरीके से। स्लेंडर इमेजेस मतलब कई जगह इंडियन पेंटिंग्स देखोगे जैसे बहुत चौड़े बनाए जाते थे फेसेस, आर्म्स, एलिफेंटा केव्स में जो पेंटिंग्स कंपेरेटिवली स्लेंडर और स्लीक बनाए गए हैं। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में जो कुछ केव्स डिस्कवर हुई 5th सेंचुरी AD में और 2nd सेंचुरी BC में, ये मोस्टली कोस्टल रीजन्स ऑफ आंध्रा में डिस्कवर हुई, जहाँ पे स्तूपा, विहारा, केव सब कुछ एक ही जगह मिला है, ठीक है। अब ईस्टर्न पार्ट में जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, और रादर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कंपेयर टू दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्या फर्क होता था? विहारा होता था घर, जैसे घर होता है ना विशाल, विहारा उसको बोलते थे, मंक्स का घर, जो भी बुद्धिस्ट मंक्स हुए उसको विहारा बोला जाता था, बस ये समझ लो, ठीक है। नॉर्थ में स्तूपा, विहारा, चैत्या एक जगह पे कभी नहीं मिलते थे तीनों। स्तूपा कहीं है तो उससे हो सकता है 10 किलोमीटर दूर चैत्या होगा, उससे 20 किलोमीटर दूर विहारा होगा, क्योंकि बहुत जगह होती थी नॉर्थ इंडिया में, स्तूपास बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्पेसिफिकली, नॉट इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जब हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वहां पे जगह की कमी थी, क्योंकि जगह की कमी होती थी इसीलिए एक ही पहाड़ पे या एक ही लैंड पे एक तरफ स्तूपा बनाई, दूसरी तरफ विहारा, तीसरी तरफ चैत्या बना दिया, ठीक है। ये सबसे मेजर डिफरेंस था नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में केव्स का, और जो भी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स और आर्किटेक्चर हमको देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी ईस्टर्न इंडिया में केव्स मिली मोस्टली विहारा टाइप की थी, और हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट केव्स 4th और 5th सेंचुरी में इस पे कार्विंग्स देखने को मिली। यहाँ तक सबको क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन? सो दिस वॉज द होल पार्ट ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर दैट आई हैव। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया, कोई पार्ट रह गया है? क्विकली टेल मी। ग्रेट ग्रेट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे दिस वॉज द होल चैप्टर फ्रॉम माई एंड। अब पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में, मॉडर्न आर्किटेक्चर में तीन तरीके के स्कूल्स आते हैं आर्ट के, जहाँ पे हमारा आता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जहाँ पे हमारा आता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये जब मैं जो पपेट्री वाला पार्ट है, और जो सॉरी जो हम लोगों का स्कल्पचर वाला पार्ट है, वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। सो डू नॉट थिंक आई एम मिसिंग ऑन इट, मैंने बस पोर्शंस में चैप्टर को डिवाइड कर दिया, सो दैट आप इजिली विद इन 40 to 45 मिनट इसको रिवाइज कर पाओ। एंड निखिल, नहीं केव्स में नहीं रहते थे, आप इसको ऐसे समझो, कभी भी हमेशा ध्यान देना है ना, मंक्स जो रहते थे विहारा में रहते थे, तो विहारा किस तरीके से बनाया जाता था? वुड प्लस स्टोन को यूज करके बनाया जाता था, ठीक है, क्योंकि विहारा यूजली 1 house या 2 story के होते थे और बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। अच्छा, पिलर्स और स्तूपा में ये डिफरेंस होता है, पिलर होता है सिंगुलर, पिलर बस ऐसा होगा एक खड़ा हुआ स्ट्रक्चर, स्तूपा होती है इस तरीके से बनी, यहाँ पे एक इसका हर्मिका आएगी, ऊपर छत्र छत्र आएगा, ठीक है, ये होती है आपकी स्तूपा, जो कि एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ये क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? दिस इज अ स्तूपा, दिस इज अ पिलर, ठीक है, क्लियर। विहारा का नाम, विहारा का मतलब विहार, जैसे घर होता है ना, जहां आप विराजते हो, दैट इज कॉल्ड एज विहारा, वेर यू आर रिजाइडिंग, ठीक है, उसको विहार बोला जाता है, क्लियर।
हाँ अर्पित, मुगल में आर्ट में सब कुछ कवर होगा, मुगल पेंटिंग, राजपूत, सब कुछ कवर होगा, डोंट वरी, आई विल नॉट बी मिसिंग एनी चैप्टर फ्रॉम दिस बुक. मैं पूरी बुक रिवाइज करवा दूंगी. एग्जैक्टली, सांची स्तूपा है और जो आयरन पिलर है, एक सिंगल खड़ा हुआ पिलर है, बस ये फर्क है पिलर में और स्तूपा में. क्लियर हो गया सबको? किसी का कोई भी डाउट, मेरी क्वेश्चन रह गया? ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट. सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव. ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगा 9 PM पे, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का होगा. टेक अ 15-20 मिनट ब्रेक, हैव योर डिनर्स, कम विद योर डिनर्स इफ यू वॉन्ट, सिट इन द क्लास, बी अ पार्ट ऑफ इट. 9 बजे मिलते हैं, जहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी आई विल बी कवरिंग. किसी का थोड़े बहुत अजय इंपॉर्टेंट है, कौन से मुद्रा इंपॉर्टेंट है, आई हेल्प यू विद द सेम. ठीक है, एंड बिफोर आई वाइंड अप, जस्ट यूज द कोड SHIVGLIVE शिवजी लाइव टू एनरोल फॉर द कॉम्बैट और अन अकेडमी के जितने भी पेड या फ्री कोर्सेज में आप लेना चाहते हो, जस्ट यूज द सेम कोड, और इसी कोड से मेरे सारे क्लासेस भी मिल जाएंगे. सो सी यू ऑल एट 9 PM क्लास. उसके बाद हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, एंड कल 8 बजे फिर मिलेंगे. ठीक है, हाँ, 9 o'clock द क्लास वुड बी ऑन ज्योग्राफी, विच वुड बी ऑन दी अन अकेडमी ऐप. वी विल बी डिस्कसिंग फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. एब्सोल्युटली अन अकेडमी नेक्स्ट क्लास. थैंक यू गाइज, गुड डे एवरी.